हमारे देश भारत की पहली वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होने जा रही है। जी हाँ, ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी। इसके लिए 520 मीटर लंबी और 30 मीटर गहरी सुरंग बनाई गई है। कुल मिलाकर मेट्रो की सुरंग अप्रैल 2017 से बनाई जा रही है। सुरंग 520 मीटर लंबी और 30 मीटर गहरी है। इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर परशुराम सिंह का कहना है कि 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुई थी। अब अंडर वाटर मेट्रो चलाने वाला भी कोलकाता पहला शहर होगा। अभी कोलकाता में केवल एक मेट्रो लाइन है जिसे नॉर्थ साउथ मेट्रो के नाम से जाना जाता है। इधर रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा गुरुवार को कहा गया कि देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत जल्द हो जाएगी। गोयल ने ट्वीट किया, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन जल्द ही कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से चलाई जाएगी। यह ट्रेन उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का प्रतीक है जो देश में निरंतर हो रही रेलवे की प्रगति का प्रतीक है। इसके बनने से कोलकाता के लोगों को सुविधा और देश को गर्व का अनुभव होगा। यह ट्रेन कोलकाता मेट्रो लाइन 2 का हिस्सा होगी। इसे ईस्ट वेस्ट मेट्रो के नाम से जाना जाता है। 16 किलोमीटर के मेट्रो लाइन को दो फेज में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में साल्ट लेक सेक्टर 5 को साल्ट लेक स्टेडियम स्टेशन से जोड़ा जाएगा। पहला चरण 5 किलोमीटर का होगा। मेट्रो सेवा इसी महीने शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर विश्व के कई देशों में अंडर वाटर मेट्रो है, लेकिन भारत के लिए पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।